नमस्कार, मैं विद्या अनुष्का। आज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोयाबीन वड़ी यह ऐसी चीज़ है कि सबसे सस्ती है, सबसे बेस्ट है और प्रोटीन से भरी है, लेकिन बच्चे इसे खाने के लिए आड़ादानी करते ही हैं और बहुतों को इसका स्मेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसका स्मेल कम करने के लिए मैंने कुछ करने की कोशिश की है, तो चले आज हम बनाएंगे सोयाबीन मसाला। बनाना हम शुरू करते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ सोयाबीन। तो यहाँ पर मैंने सोक किया हुआ सोयाबीन लिया है और मैंने अच्छे से इसे धो कर लिया है। आज हम कुछ सोयाबीन में हम एक स्वाद देने वाले हैं, एक ट्विस्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी करने रख दिया है। इसमें हम देंगे कसूरी मेथी, हम देंगे सोयाबीन को हमें कसूरी मेथी के साथ उबाल लेना है अच्छे से। एक मिनट तक हमें इसे उबाल लेना है ताकि कसूरी मेथी का जो स्वाद है वो सोयाबीन के अंदर तक चला जाए और सोयाबीन में बहुत अच्छा स्वाद आए। इसे उबाल आ चुका है, अब हम इसे आंच को मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पर हम इसे उबाल लेंगे। एक मिनट हो चुका है, मैं इसे अभी साइड में कर देती हूँ और इसे ठंडा कर लेती हूँ। अभी बनाना है हमें ग्रेवी के लिए मसाला। तो पैन में हम सबसे पहले देंगे तेल। पैन में मैंने तेल दे दिया है और मैंने टमाटर है, दो टमाटर मैंने काट के लिए है, दो मध्यम आकार के प्याज मैंने काट लिया है, एक छोटे शिमला मिर्च को मैंने काट लिया है, लहसुन की कलियां है 10 से 12 और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है। अब एक एक करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले देंगे हम प्याज को थोड़ा नरम कर लेंगे। आज को मैंने तेजी रखा है, प्याज नरम हो चुकी है। अब देंगे टमाटर, लहसुन देंगे और देंगे शिमला मिर्च। इन्हें हमें नरम होने तक पका लेना है। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च नरम हो गई है। अब हम देंगे अदरक और इसी में देंगे हम एक चम्मच मैंने धनिया लिया है और आधा चम्मच मैंने जीरा लिया है और देंगे कुछ खड़े मसाले। हरी इलायची है 2, 4 लौंग है, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है, 8 से 10 गोल मिर्च है, काली मिरी। एक बार चला लेंगे और सबसे आखिर में देंगे हम काजू। 8 से 10 मैंने काजू लिए हैं। अब इस मसाले को हम पूरी तरह से ठंडा करके इसका मैं एक पेस्ट बना लूंगी। जो मसाला भून लिया था वो मैंने पीस लिया है, पेस्ट कर लिए। हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में देंगे तेल। तेल के गर्म होते ही देंगे मसाला, तो मैंने धीमा रखा है। मिला लेंगे मसाले को अच्छे से। अब हम देंगे इसमें हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर अपने पसंद मिला लेंगे। ये आंच पर हम इसे कसेंगे। हम देंगे दही, मैंने 2 बड़े चम्मच दही लिया है, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, अच्छे से मिला लें और तेल के छूटने तक हमें इसे कस लेना है। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, अब हम इसमें देंगे सोयाबीन जो मैंने इस तरह से निकाल के रखा था एक छलनी में, अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें देंगे थोड़ा सा पानी, तो मैंने आधा ग्लास में पानी दे रही हूँ। मिक्सर के बर्तन को भी मैंने धो लिया था जिसमें हमने मसाला पिसा था। डालेंगे इसे, अब हम इसे ढक्कन दे दिया है, धीमी आंच पर हम इसे 1 मिनट तक पकाएं। 1 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटाएंगे। आहा, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अभी हमें सबसे आखिर में देना है। देंगे हम इसमें शक्कर, चुटकी भर में शक्कर दे रही हूँ। शक्कर से स्वाद इसका बहुत बढ़िया होगा। हमने इसमें टमाटर दिए हैं, दही दिया है, तो उस खटास को ये बैलेंस करने वाली शक्कर है। ऑप्शनल है लेकिन ये देने से बहुत ही स्वाद अच्छा आता है। हम देंगे स्वाद अनुसार नमक, एक बार मिला लेंगे। अभी बस इतनी ही देरी है कि मैं इसे परोस लूं। थोड़े से धनिया पत्ता के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सोयाबीन मसाला अच्छा लगेगा। तो
तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खाते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।